दिल्ली में अचानक पीएम मोदी से मिले सीएम योगी। सीएम योगी बोलते रहे और पीएम मोदी ध्यान से सुनते रहे। आखिर क्या बातचीत हुई दोनों के बीच? सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों के वायरल होते ही एक सवाल सबके मन में है कि आखिर पीएम मोदी से दिल्ली आकर अचानक सीएम योगी ने क्यों मुलाकात की और दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया और बैठक की तस्वीरें भी साझा की। लेकिन आपको बता दें कि पीएम मोदी से योगी की ये मुलाकात सरकार के एक साल पूरा होने से कुछ दिन पहले हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में आदित्यनाथ का ये दूसरा कार्यकाल है। सीएम योगी ने इस मुलाकात के बाद ट्वीट किया, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका आत्मीय मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। वहीं पीएमओ ने भी पीएम मोदी के साथ योगी की मुलाकात की तस्वीरें साझा की। इसमें एक तस्वीर में तो सीएम योगी पीएम मोदी को गुलदस्ता भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो दूसरी तस्वीर ट्वीट की गई है उसमें आप देख सकते हैं कि सीएम योगी और पीएम मोदी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। सीएम योगी कुछ बता रहे हैं और पीएम मोदी उसे ध्यान लगाकर सुन रहे हैं। तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों के बीच बेहद ही खास बातचीत हुई, क्योंकि यूपी सरकार इसे शिष्टाचार भेंट बता रही है। लेकिन जिस तरह के एक्सप्रेशन इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बात बेहद ही गंभीर है। वैसे खबरों के मुताबिक पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच यूपी सरकार की विकास योजनाओं पर चर्चा हुई, ऐसा बताया जा रहा है। यूपी के बड़े डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स जिनका उद्घाटन 2024 चुनाव से पहले होना है, उन पर भी बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच अयोध्या और पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के विकास कार्य पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी दोनों के बीच बातचीत हुई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को एक किताब भी भेंट की। आपको बता दें कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल की आने वाली 25 मार्च को होने वाली पहली वर्षगांठ को पूरे प्रदेश में मनाने की तैयारी की जा रही है। योगी सरकार इसे भव्य तरीके से मनाने वाली है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार योगी 2.0 का पहला साल आगामी 25 मार्च को पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी के लिए जश्न इसलिए भी जरूरी है क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार सबसे ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होते ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर 6 साल 6 दिन पूरे कर लेंगे। उनके अनुसार वैसे उन्होंने 1 मार्च को ही सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था, जो कि 5 साल 346 दिन का था। अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह पर एक तरफ जहां मुख्यमंत्री खुद लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहीं जिलों में प्रभारी मंत्रियों के नेतृत्व में पत्रकार वार्ताएं आयोजित की जाएंगी। ध्यान है कि ये कहा जा सकता है कि तैयारी पूरी है और शायद इसीलिए सीएम योगी ने पीएम मोदी से सीधा दिल्ली जाकर मुलाकात की। लेकिन ये जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसे लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं जोरों पर हैं। आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।